बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अजमेर शरीफ का पूरा इतिहास बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि अजमेर शरीफ, जो कि एक हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का गढ़ था, वहाँ एक फ़कीर का दरगाह कैसे बन गया। दोस्तों, अजमेर में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था, और वो मंदिर सिर्फ राजाओं और रानियों की पूजा के लिए खास हुआ करता था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अनासागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को बहुत ही बरकत वाला, पवित्र समझते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उस मंदिर में रात को इतने ज़्यादा दिए जलाए जाते थे कि सिर्फ एक ही रात 3.5 मन तेल उन दियों में इस्तेमाल होता था। आसपास के गांव देहात मंदिर के नाम थे और इन देहातों की आमदनी मंदिर पर खर्च हुआ करती थी। मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम आने वाले लोगों की सेवा और देखरेख करना था, और वो बताया करते थे कि कौन सा भगवान बेटे देता है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती देता है, और किस मूर्ति की पूजा करने से दौलत बढ़ती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वहाँ आए और अनासागर के कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त था, लिहाजा आप ख्वाजा साहब ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से आज़ान देने को कहा। कुफ्र शिर्क से भरे अजमेर में अल्लाह के एक होने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रसूल होने का ये पहला ऐलान था। वहाँ रहने वाले लोग इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, चुनांचे आज़ान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हुए और अपने घरों से निकलकर सब ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीदों को देखने लगे और अनासागर के पास भीड़ लग गई। ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीदों ने अनासागर के पानी से वुजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सब हिंदू हैरान रह गए। वो सोच रहे थे कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, तो ये लोग खड़े होकर कौन से भगवान के आगे झुक रहे हैं। शाम हुई तो राजा के ऊँट, जो दिन में चरने के लिए गए थे, अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक की बात थी कि जहाँ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने बाबा साहेब से कहा कि ओ बाबा साहेब, यहाँ से उठिए क्योंकि ये जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है। ख्वाजा साहब ने फरमाया, इतना मैदान खाली पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों बेवजह हमें तंग करते हो। वो लोग नहीं माने और मुसल्ला उठाकर इधर उधर करने लगे और ख्वाजा साहब से बदतमीजी करने लगे, और उन लोगों ने आखिरकार बहुत बदतमीजी से कहा कि यह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और अपना मुसल्ला बिछा लो। आखिरकार आप ख्वाजा साहब ने उठते हुए हज़रत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो, मैं कहता हूँ अब यहाँ सिर्फ ऊँट ही बैठेंगे। यह कहकर आप ख्वाजा साहब अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए, और अगली सुबह जब ऊँटों को चराने के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, तो उन्हें पता चला कि ऊँट उठ ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर ज़बरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ खड़े होते थे, आज क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिरकार उन्हें याद आया कि कल उस बाबा ने कहा था कि चलो अब यहाँ ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग जमा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फ़कीर कोई बड़ा जादूगर है, किसी का मानना था कि वो कोई भगवान का नया अवतार है। बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक जा पहुँची कि एक मुसाफिर फ़कीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को खबर भेजा कि तुम कैसे फ़कीर हो जो बेजुबानों को बांध रखा है, ये बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। ख्वाजा साहब ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और ना जादू करते हैं, ऊँट जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से खड़े हो जाएंगे। अब जो जाकर चरवाहों ने ऊँटों को उठाया तो पहली ही बार में उठ खड़े हो गए। गैर मुस्लिमों की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। अब 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिरकार राजा तक ये बात पहुंच गई और उसको शिकायत की गई कि राजा साहब, जो फ़कीर आए हुए हैं सब के सब मुसलमान हैं,
पांच वक्त आजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं और कहते हैं कि ये मूर्तियाँ पूजने के लायक नहीं, ये तो सिर्फ एक पत्थर है, इसलिए इन्हें यहाँ से उठा लिया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने फकीरों को खबर भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पवित्र तालाब को अपने हाथ मुंह धोकर गंदा करते हो, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ख्वाजा साहब ने फरमाया, और भी तो दुनिया आती है, सिर्फ हमारे ही पानी लेने से आखिर क्या फ़र्क पड़ जाएगा। राजा कहने लगा, वो सब हमारे धर्म और हमारे मजहब के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो, आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम तुम लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा साहब ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई परेशानी खड़ी करेंगे, जाओ एक मश्क पानी ले आओ। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, चलिए हम अपना प्याला भर लेते हैं। उन लोगों ने उनको प्याला भरने से मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में जाकर वो लोग इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारे जिस्म पानी से ना छुए तो हम ये प्याला तुमको भरने देंगे। मेरे दोस्तों, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और अपने प्याले को पानी में डुबो दिया। जब वो प्याला भर गया तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वो प्याला ऊपर खींच लिया, लेकिन फिर क्या था, जब वो प्याला पानी से बाहर आया, अना सागर का सारा पानी सूख गया और अना सागर की तह में सूखी रेत उड़ने लगी। मानो ऐसा मालूम हो रहा था कि अना सागर उस छोटे से प्याले में समा गया है। अना सागर को सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया, गली मोहल्ले में चीखों पुकार और आहों की आवाज़ें शुरू हो गई। वो लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि जो पाप हम अना सागर में नहाकर धुलते थे और पापों से छुटकारा पा लिया करते थे, अब हम क्या करेंगे, अब हम पापों का बोझ कहाँ लिए फिरेंगे। सारे इलाके में ये खबर फैल गई कि मुसाफिर फ़कीर ने जादू के ज़ोर से अना सागर को सुखा दिया है। दोस्तों, जानते हैं आगे क्या हुआ? आगे हुआ ये कि राजा पृथ्वीराज चौहान अना सागर के सूख जाने की वजह से बहुत परेशान हुआ। उसने अपने वजीरों को बुलाया, सबसे यही कहा कि फ़कीर या तो कोई जादूगर है या फिर वाकई कोई पहुंचा हुआ फ़कीर है। साथ ही उनकी परेशानी बढ़ गई कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर के दम से, इसकी वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौट जाया करते थे। अना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म को सख्त धक्का लगेगा और ये बड़ी शर्मनाक बात थी। आखिरकार ये कहा गया कि फ़कीर से बात की जाए कि आखिर वो फ़कीर चाहता क्या है, अगर वो कोई ऐसी बात चाहता है जो हमें पसंद आए तो फिर हम उसकी बात को मान लेते हैं और उससे माफ़ी मांग लेते हैं। चुनांचे सब मर्द, औरतें और बच्चे जाकर फ़कीर की मन्नत करने लगे कि लोगों को इस परेशानी से छुटकारा दिलाइए और हम सब पर मेहरबानी कीजिए, हम सबसे जो गलती हुई है उसे माफ़ कर दो, हम अपने पापों का बोझ लेकर कहाँ जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे, क्योंकि हम लोग उसी तालाब में अपने पापों का बोझ धो लिया करते थे। ये तरीक़ा ज़्यादा आसान था, लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वुजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया कि जाओ उसी प्याले को वापस तालाब में डाल आओ। जैसे ही वो प्याला तालाब में डाला गया, अना सागर के नीचे सारा पानी उछल उछल कर अना सागर में आ गया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम के इतिहास की किताबों में भी हिंदू इतिहास के लिखने वाले इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। उन गैर मुस्लिमों के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं पर भी गुस्से का तूफान खड़ा हो गया और वो सोच में पड़ गए कि फ़कीर अगर कुछ दिन और रहा तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब से मुकाबला रखकर जल्द से जल्द उन्हें हराने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दे दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म की काबिलियत के दूर दूर तक धूम मची हुई थी। दरअसल पंडित शैतानी
और जादुई ताकतों का मालिक था। उसने राजा पृथ्वी को यह यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनेगा। रामदेव बाबा ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, खामोशी ज़रूरी है, इसलिए हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह खामोश रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी तरफ आँख उठाई और मुस्कुरा कर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। बस इतना कहना था, न जाने क्या करिश्मा हुआ, देखते ही देखते बाबा रामदेव कदमों पर गिरा और रोते हुए बोला, बाबा साहब जिस धर्म के तुम हो उस धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुकाबला देखने आए थे सब हैरान हुए और बाबा रामदेव जो बाबा को हराने आया था खुद ही मुसलमान हो गया। इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज वो इकलौते बुजुर्ग हैं जिन्होंने 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। सदियां बीत गई लेकिन आज भी ख्वाजा गरीब नवाज का डंका वैसे ही बज रहा है। सुभानअल्लाह।